हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड इन दैट वेरी लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद द सप्लाई। तो उसमें हमने बोला था कि सप्लाई रेफर्स टू द वेरियस क्वान्टिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ प्रोड्यूसर और बाय अ सेलर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस इन द मार्केट। तो वो हमने बोला था और हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि हाउ स्टॉक इज डिफरेंट फ्रॉम द सप्लाई एंड हाउ क्वांटिटी सप्लाइड इज डिफरेंट फ्रॉम द सप्लाई। तो ये हमने बोला था। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक और वीडियो के साथ आपके साथ यहां पर है, दैट इज द वी आर गोइंग टू डिस्कस द सप्लाई स्केड्यूल। तो सप्लाई स्केड्यूल का मतलब क्या होता है ये हम आपको समझाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जनरली यहाँ पर पढ़ेंगे सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है और एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ यहाँ पर हमने कुछ रखी है और अकॉर्डिंगली हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सप्लाई कर्व के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, चले हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल इज अ टेबल शोइंग वेरियस क्वान्टिटीज ऑफ ए कमोडिटीज ऑफर फॉर सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। तो याद रखिएगा डियर, ये जो सप्लाई स्केड्यूल जो होता है, सप्लाई स्केड्यूल सिंपली एक टेबल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है, जिसमें जो क्या शो करता है, इट शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी जो होते हैं उसके बहुत सारे क्वांटिटीज विच इज ऑफर्ड फॉर सेल और व्हेन अ प्रोड्यूसर और अ सेलर इज रेडी टू सेल द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस इन द मार्केट। जब हम एक लिस्ट बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल में हम दिखाते हैं कि कितने क्वांटिटी जो है ऑफर करता है एक प्रोड्यूसर किसके लिए, सेल के लिए, हाउ मच यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर रेडी बाय सेलर फॉर द सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो अकॉर्डिंगली वो जो टेबल बनता है उस टेबल को हम बोलते हैं सप्लाई स्केड्यूल। तो याद रखिएगा डियर, जब भी सप्लाई स्केड्यूल की बात आ रही है तो शॉर्ट में आपको याद रखना, एक लिस्ट बनाया जाता है किस प्राइस पर कितनी सप्लाई हो रही है, वो जो टेबल जो हम बना लेते हैं उसी टेबल को हम नाम देते हैं सप्लाई टेबल को, तो उसी को हम बोलते हैं सप्लाई स्केड्यूल। सो फार द सप्लाई स्केड्यूल इज कंसर्न, इट हैज टू एस्पेक्ट्स, इसके दो एस्पेक्ट्स आते हैं। जनरली कि हमने इससे पहले भी बोला था, सप्लाई जो है दो, इसके दो डायमेंशंस हैं, याद रखिएगा डियर। सप्लाई जो है इट मे बी डिस्कस्ड ऑन द इंडिविजुअल लेवल एंड इट मे बी डिस्कस्ड ऑन द मार्केट लेवल। तो यहाँ पर जब बात आती है सप्लाई स्केड्यूल की या सप्लाई टेबल की, तो सप्लाई टेबल भी जो है दो टाइप्स के होते हैं, या इट हैज टू डायमेंशंस और टू एस्पेक्ट्स, वन इज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड सेकेंड इज कॉल्ड द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। तो चलिए डियर, यहाँ पर हम जो बात करेंगे, पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल का मतलब क्या होता है, इससे पहले भी ये डिस्कस हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है इट इज़ अ सप्लाई और इट इज़ अ वेरियस क्वान्टिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच इज ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल फर्म। यानी कि एक मार्केट जो होता है उसमें बहुत सारे फर्म्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। जब भी हम एक सेलर की बात करते हैं, एक फर्म की बात करते हैं, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर ऑफर्ड फॉर द सेल बाय एन इंडिविजुअल फर्म और बाय इंडिविजुअल जिस सेलर, तो उसको हम नाम देते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। और वही इंडिविजुअल फर्म जो है या शॉपकीपर जो है या सेलर जो है, तो याद रखिएगा वो जब उसका एक लिस्ट बना लेता है, एक टेबल बना लेता है, दैट्स called the individual supply schedule। Simply आप याद रख सकते हैं, it's a table which shows the price and the quantity supplied, या which shows the how many units are being supplied at what prices। तो उसका एक entire एक entire एक schedule बनाया जाता है, टेबल बनाया जाता है, तो इसी को हम नाम देते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। दैट्स व्हाई यहां पर हमने लिखा इट रेफर्स टू सप्लाई स्केड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। तो याद रखिएगा डियर, मार्केट में बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट, किसी खास प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो दैट मीन्स, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल,
We are not talking about the whole market. We are not talking about the just all the sellers. We are not talking about the all the firms which are producing a particular commodity. यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है एक individual firm की, एक individual जो है seller की. That's why यहाँ पर हमने दिया है. It's a price. मान लीजिए it's a price of X commodity. तो price कितना है इसका? That's 5, 10, 15, 20. मान लीजिए प्राइस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो यहाँ पर एट द प्राइस 5, तो वहाँ पर कोई यूनिट्स जो है नो सेलर, यानी कि एन इंडिविजुअल सेलर इज नॉट रेडी टू सेल एनी प्रोडक्ट एट द प्राइस 5. तो दैट मीन्स ये 5 प्राइस जो है ये इतना कम है, सेलर जो है ये जो सेलर जो है या याद एक प्रोड्यूसर जो है ही इज नॉट रेडी टू सेल एनी प्रोडक्ट एट दिस वेरी लो प्राइस दैट इज 5. तो 5 प्राइस है लेकिन इस पर जो है कोई भी सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है. दैट्स व्हाई यहां पर हमने सप्लाई क्या लिखा, दैट इज 0. तो वंस प्राइस बढ़ गया, तो याद रखिएगा डियर, तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ 5 से लेकर 10 तक. नाउ द सप्लाई आल्सो स्टार्ट्स इंक्रीज, तो ये भी जो है ये एक्सटेंड होने लगी. पहले कोई यूनिट सप्लाई नहीं हो रहा था, कोई मार्केट में नहीं आ रहा था कोई चीज, तो अब जो है 10 यूनिट्स आ रहे हैं. अकॉर्डिंगली विद द कंटिन्यूसली इंक्रीज इन द प्राइसेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, तो सप्लाई जो है आल्सो एक्सटेंड हो रही है. तो दैट मीन्स एट 5 प्राइस देयर इज 0 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सप्लाइड, और विद जब 10 होता है प्राइस तो अकॉर्डिंगली 10 सप्लाइड होती है, और जब 15 प्राइस होता है तो 20 सप्लाई होता है, तो अकॉर्डिंगली जब 20 प्राइस होता है 30 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर सप्लाइड इन द मार्केट. डो याद रखिएगा इस ये जो इस एग्जांपल में हमने बोला कि इट इज सिंपली इट इज अ टेबल विच शोज द रिलेशनशिप विद द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, और ये क्लियरली इंडिकेट करता है, इट क्लियरली शोज, ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस सप्लाई आल्सो एक्सटेंड्स. तो याद रखिएगा डियर, जब भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली हमारी सप्लाई भी क्या हो रही, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज होती. तो याद रखिएगा डियर, अकॉर्डिंगली तो मैंने अभी आपको बोला कि ये इससे भी पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बोला था, जब भी प्राइस कम होता है सप्लाई हमेशा कम होती है. लेकिन जब याद रखिएगा डियर, तो जब लेकिन याद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हेन वी आर गिविंग द रिलेशनशिप द प्राइस विद ओनली दिस सप्लाई टू द प्राइस ओनली, जब हम बाकी फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखते हैं तो हम बोलते हैं कि सप्लाई जो है सिर्फ किस पर इफेक्ट होती है होती है, तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस. तो यही हमने बोला, विद इंक्रीज इन द प्राइस दिस क्वांटिटी सप्लाई एक्सटेंड्स. तो ये याद रखिएगा डियर, इट वाज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. तो इसमें आपने क्या जाना, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल का मतलब होता है इट इज अ सप्लाई स्केड्यूल और इट इज अ सप्लाई टेबल या इट इज अ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच इज ऑफर्ड फॉर सेल बाय एन इंडिविजुअल फर्म. एक इंडिविजुअल फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म जो है कितना मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं. तो हमने इसका एक टेबल बनाया है, तो ये याद रखिएगा डियर, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. तो इसमें हमने एक और चीज जानी कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड. तो जब भी इसमें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की बात हो रही है तो वहां पर जो है उनमें कौन सी रिलेशन है, दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप. पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसका मतलब है एज द प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई आल्सो इंक्रीजेज. सो डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. नाउ लेट मी डिस्कस हियर द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. ओके डियर, तो हमने इससे पहले बात की इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल की. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक हियर अबाउट द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. अब हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई स्केड्यूल के बारे में. तो इससे भी पहले हमने बोला कि मार्केट सप्लाई क्या होती है. मार्केट सप्लाई का मतलब होता है इट्स अ सप्लाई बाय ऑल द फर्म्स और ऑल द सेलर्स इन द मार्केट. दैट मीन जितने भी सेलर्स होते हैं वो टोटल सम में कितना जो है सप्लाई करते हैं मार्केट में कोई पर्टिकुलर कमोडिटी. दैट मीन्स वी कैन से इट इज़ अ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच
which all the sellers are willing to sell in the market at particular prices or simply at possible prices. Now let me discuss here the market supply schedule kya hota hai. To ye yaad rakhiyega dear, market supply schedule refers to the supply schedule of all the firms in the market producing a particular commodity. That means we can simply say that means it is the total quantity supplied by all the firms in the market, but it is shown in the form of table. क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है कि स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल. एक टेबल के जरिए से हम क्या दिखा सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेबल के जरिए से कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर बीइंग सप्लाइड बाय ऑल द फार्मर्स इन द मार्केट एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो अकॉर्डिंगली हमने बोला कि मार्केट सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है कि इट रेफर्स टू द सप्लाई स्केड्यूल ऑफ ऑल द फार्मर्स. डियर याद रखना है ऑल द फार्मर्स इन द मार्केट, जितने भी मार्केट में फार्मर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं तो वो टोटल में कितनी सप्लाई करते हैं मार्केट में, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. उसी का जब एक टेबल बनता है, स्केड्यूल बनता है, लिस्ट बनता है, तो उसी को हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. लेकिन याद रखना है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल रेफर्स टू सप्लाई स्केड्यूल ऑफ द इंडस्ट्री एज ए होल. तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए व्हेन वी डिफाइन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को जब हम डिफाइन करते हैं, इंडस्ट्री को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सम टोटल ऑफ द फर्म्स प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर और सिमिलर प्रोडक्ट्स. मान लीजिए इंडिया में जितने भी जो है फर्म्स है वो क्या करते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग और दे आर डीलिंग विद द लाइक ऑटोमोबाइल इन दिस ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, लाइक वो गाड़ियाँ वगैरह बना लेते हैं, कार्स वगैरह बना लेते हैं. तो अकॉर्डिंगली उन सारे फर्म्स को हम इकट्ठे नाम देंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. या देयर मे बी थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ द दिस शुगर फैक्ट्रीज और शुगर फर्म्स इन द इंडिया, बट होल एज ए होल इट इज़ कॉल्ड द शुगर इंडस्ट्री. अकॉर्डिंगली कॉटन इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडिया में हज़ारों ऐसे फर्म्स होंगे, ऐसे मिल्स होंगे जो कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं या बना लेते हैं या सप्लाई करते हैं. लेकिन जब भी हम बात करते हैं तो इसको हम इकट्ठे क्या बोलते हैं, इसको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री. सो डियर स्टूडेंट्स हम यहां पर कह सकते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, इट इज एक्चुअली द स्केड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स और इट इज एक्चुअली द स्केड्यूल ऑफ द इंडस्ट्री एज ए होल. क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हम किसी भी प्रोडक्ट की, हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो दैट मीन्स हम उसी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री की बात यहां पर हो रही है कि वो कितना मार्केट में सप्लाई होता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर. तो यहां पर यही हमने लिखा, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल रेफर्स टू द सप्लाई स्केड्यूल ऑफ द इंडस्ट्री एज ए होल बिकॉज सम टोटल ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड द इंडस्ट्री. दैट मीन्स जब बहुत सारे फर्म्स सिमिलर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं या सप्लाई करते हैं तो उसको हम उस चीज़ की क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या हम नाम दे सकते हैं शुगर इंडस्ट्री. ओके डियर, दैट मीन्स देयर मे बी द थाउजेंड्स ऑफ फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग द शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, या ऐसे अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जूट रिलेटेड प्रोडक्ट्स या बाकी और चीज़ें हम बना सकते हैं. लेकिन याद रखिएगा डियर, जब भी सारे फर्म्स को हम इकट्ठे क्या करते हैं, इकट्ठे जो बोलते हैं तो हम बोलते हैं इसको मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. तो सिंपली वी कैन से इट इज़ द समेशन आर इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर और पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड द इंडस्ट्री. नाउ लेट मी शो हियर, यहां पर हम दिखाएंगे डियर कि हम कैसे जो है इस मार्केट सप्लाई स्केड्यूल को दिखाएंगे, किसके जरिए से, टेबल के जरिए से यहां पर दिखाएंगे, जो कि इसी को हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. जैसे हमने बोला था, सपोज यहां पर करेंगे डियर,
यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि एक ऐसी इंडस्ट्री है किसी भी प्रोडक्ट की, या एक ऐसा मार्केट है, मान लीजिए वहाँ पर दो ही फर्म्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ अ कमोडिटी ऑफ एक्स, तो इसको प्रोड्यूस करने वाले सिर्फ दो ही फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। नो डाउट वहाँ पर हज़ारों ऐसे फर्म्स होंगे जो इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले होंगे, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी तो हम समझाने के लिए आपको क्या यहाँ पर बोल सकते हैं कि सपोज देर आर ओनली टू फर्म्स, मार्केट में सिर्फ दो ही फर्म्स है, तो जो हम दिखाएंगे कि मार्केट सप्लाई क्या होता है। तो जब प्राइस 5 है, 10, 15 एंड 20, तो अकॉर्डिंगली जैसे कि हमने इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल में समझाया था कि जब प्राइस इंक्रीज होता है, अकॉर्डिंगली द बिहेवियर ऑफ द फर्म इज दैट इट ऑल्सो इंक्रीज द सप्लाई, या अपनी सप्लाई को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। बट एट द लो प्राइस, जब प्राइस 5 है, इस टाइम ये जो सप्लाई को कुछ नहीं करते हैं, दे आर नॉट सप्लाई एनी यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी अकॉर्डिंगली। तो जब प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पर भी जो है सप्लाई क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है। तो जो डायरेक्टली ये बोलता है कि देयर इज अ डायरेक्ट और यू कैन से पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये फर्म ए का बिहेवियर है। अकॉर्डिंगली फर्म बी क्या करती है, हमने ऑलरेडी बोला सपोज देर आर ओनली टू फर्म्स इन द मार्केट, तो जो जैसा बिहेवियर पहली फर्म करती है ऐसा बिहेवियर कौन सा करती है, फर्म बी भी। तो ये याद रखिएगा, डेयर जब प्राइस 5 है, फर्म बी इज इवन नॉट गोइंग टू सेल एनी यूनिट ऑफ द कमोडिटी। फर्म बी भी जो याद रखिएगा ये क्या करती है, कोई भी चीज़ सप्लाई नहीं करने के लिए तैयार है, किस प्राइस पर, 5 पर। जब भी प्राइस इंक्रीज होता है, दे आर रेडी टू सप्लाई द 5 यूनिट्स, और फर्म ए कितनी, ये जो रेडी थी कितना सप्लाई करने के लिए, 10, और यहां पर फर्म बी जो है दे आर गोइंग टू सप्लाई 5 यूनिट्स। अकॉर्डिंगली फर्म ए जो है एट द प्राइस 15 दे वर रेडी टू सप्लाई द 20 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एक्स, और अकॉर्डिंगली फर्म बी इज गोइंग टू आर दे आर रेडी टू सेल द 10 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एक्स। तो अकॉर्डिंगली बिहेवियर दोनों का एक जैसा दिख रहा है कि they are showing the positive response to the price, price increases, supply also extends. तो यहां पर accordingly हम देख सकते हैं। Now मैंने आपको already बोला कि we are supposing here that there are only two firms in the market. तो जब दो ही firms हैं तो याद रखिएगा at zero price टोटल मार्केट में कितनी सप्लाई है, दैट इज जीरो। ना ही फर्म बी सप्लाई करती है, ना ही फर्म ए सप्लाई करती है एट द प्राइस ऑफ 5। वंस प्राइस राइज, जब प्राइस इंक्रीज होता है फ्रॉम 5 to 10, फर्म ए सप्लाइज 10 एंड फर्म बी सप्लाइज द 5 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, तो कॉम्बिनेशन में ये टोटल मार्केट में कितना सप्लाई करते हैं, दैट इज 15। तो 15 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टोटल सप्लाई बाय द फर्म ए फर्म बी, दैट मीन्स देर आर Only two firms in the market. दो ही firms market में है, तो combine में कितना वो supply करते हैं, 15, 5 यहाँ से supply हो रहे हैं, 10 यहाँ से supply हो रहे हैं। Accordingly, as the price also rise, जब price continuously rise होता है, तो यहाँ पर याद रखेगा, firm A is ready to supply 20 units and firm B is supply to 10 units. 20 plus 10, that is the total supply in the market will be 30 units of the commodity X. Accordingly, जब प्राइस फिर से बढ़ता है फ्रॉम 15 टू 20, तो फर्म ए क्या करती है, दे आर नाउ रेडी टू सप्लाई द 30 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एंड एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्राइस दिस फर्म बी दे आर रेडी टू सप्लाई द 20 यूनिट्स। 20 प्लस 30 दैट इज 50। तो 150 आप याद रख सकते हो, दिस इज द मार्केट सप्लाई। तो ये हमने जो बोला, हमने यहाँ पर ये मान के लिया कि देर आर ओनली टू फर्म्स इन द मार्केट, तो वो ऐसा बिहेवियर दिखाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने दिखाया कि हाउ द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल इज वर्किंग। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मार्केट सप्लाई स्केड्यूल जो है, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि जितने भी फर्म ज़्यादा होंगे उतना ही सप्लाई ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर एक ही फर्म है तो 10 सप्लाई हो रहा था, अगर दो
है तो 15, अगर एक ही फर्म है तो 10 हो सकती है, तो अगर दो है तो 30 हो सकती है या 50 हो सकती है. सो स्टूडेंट्स वी कैन सिंपली से द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल इज द स्केड्यूल इज द सप्लाई स्केड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स इन द मार्केट. एंड हमने यही दिखाया कि ये टेबल के जरिए हमने दिखाया, और इस मार्केट सप्लाई स्केड्यूल का मतलब ही होता है कि इट इज अ टेबल. It is a table which shows the quantity supplied by all the firms in the market. और यहाँ पर हमने एक important चीज़ एक और चीज़ बोली कि it is a supply of industry, or you can say market supply schedule is the schedule of the industry as a whole. Because याद रखिएगा डेर, यहाँ पर हमने बोला sum total of the firms producing a particular commodity in the market is called the इंडस्ट्री. जितने भी इंडस्ट्री में फर्म्स होंगे, अगर वो सिमिलर टाइप के जो हैं या एक ही चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, तो सिमिलर टाइप का चीज़ प्रोड्यूस करते हैं या सप्लाई करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं इंडस्ट्री. तो जब भी मार्केट की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री. सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट द सप्लाई स्केड्यूल. एंड इसमें हमने क्या जाना, तो इसमें हमने जाना इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है, और उसमें हमने बोला कि इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल जो होता है, इट इज़ जस्ट अ टेबल, स्टैटिस्टिकल टेबल विच शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी आर सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर फर्म और इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस. अकॉर्डिंगली मार्केट सप्लाई स्केड्यूल हमने बोला, इट इज़ एक्चुअली द स्केड्यूल और द टेबल विच शोज द वेरियस क्वांटिटीज, या यू कैन say all the quantities which are being ready by all the firms for the sale. जो सारे firms sale के लिए क्या करते हैं, वो ready होते हैं at various possible prices. That हमने बोला कि market supply schedule is the supply of the industry. So dear, hope you understood it in better way. तो हम नेक्स्ट में जो है आपके और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके सामने रखेंगे. तो डेयर, इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा या कोई क्वेश्चन होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है हमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हो. तो नेक्स्ट जो है हमारा इसी सप्लाई पर भी कुछ और भी वीडियोज़ आएंगे. तो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़.